पटना में दिन दहाड़े 45 लाख रुपए की लूट, गाड़ी में स्क्रैच लगाने के बहाने रोककर पूर्व मंत्री बिना साई के स्टाफ से लूट लिए रुपए। सीआईएसएफ जवान की पत्नी को सिर में 4 गोलियां मारी, मुंगेर में घर में हुई हत्या, घर वाले बोले पता नहीं कब किसने मार दी गोली। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार को आया गुस्सा, बोले बंद कीजिए एसी, अभी एसी चलाने का कोई मतलब है, सबको ठंड लग जाएगी। गया में 36 पंचायतों में हुआ मतदान, घने कोहरे के बीच सुबह से ही पहुंचने लगे मतदाता, 4069 प्रत्याशी मैदान में। जम्मू में बालू लोड ट्रैक्टर ने दो को कुचला, घर से दुकान जा रहे थे बाइक सवार दोनों, तभी हुआ हादसा, एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर। रेलवे सिग्नल का तार चोरी करने वाला गिरफ्तार, बक्सर में तार चोरी करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, कबाड़ में बेच दिया था 2000 में। मुजफ्फरपुर में ठुमके पर पिस्तौल लहराता दिखा युवक, जीत के जश्न पर आर्केस्ट्रा का आयोजन, एसडीपीओ बोले जांच के बाद कार्रवाई। पंचायत चुनाव के हर चरण में टूटी कोरोना गाइडलाइन, कागजों में गाइडलाइन जारी कर निगरानी भूले अफसर, मतदान में मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं दिखी। मधेपुरा में व्यवसाय से 3 लाख की लूट, नाटकीय अंदाज में 3 लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम, पिस्टल सटा लूट लिए रुपए। भागलपुर में कोरोना का एक केस मिला, जेएलएनएमसीएच में कटिहार से एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने कहा सावधानी बरते। मुजफ्फरपुर में चोरी की वारदात, इंजीनियर के घर से चोरों ने लाखों के सामान उड़ाए, नींद खुलने पर पता चला। मुजफ्फरपुर से 42 सवारी ट्रेनों में लिया जा रहा अधिक किराया, अभी भी सवारी ट्रेनों को स्पेशल के नाम पर ही चलाया जा रहा है, मेल एक्सप्रेस में राहत। बेटे की शादी को रखे जेवरात और कैश उड़ाया, मुजफ्फरपुर में 5 लाख की चोरी, घर में सोए थे लोग कमरे में बंद कर उड़ा लिया सामान। छपरा में प्रेमिका के साथ दोस्त संग प्रेमी ने किया गैंगरेप, दोस्त के जरिए प्रेमिका को दिल्ली बुलवाया, फिर 8 दिन तक गैंगरेप का आरोप। पटना में 2500 एचआईवी किट के साथ 3000 सिजोरियन गाउन बरामद, औषधि नियंत्रण विभाग को नहीं लगी भनक, पुलिस की छापेमारी में खुली पोल।